अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, जिसमें बोकारो से पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी हामिद हसन, चंदन क्यारी से हरेंद्र कुमार और धनवार विधानसभा से लक्ष्मी देवी, झरिया से जानकी देवी का नाम शामिल है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर के निर्देशानुसार एपीआई के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ व झारखंड के प्रभारी अर्जुन सिंह ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में इन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। पार्टी के नीति सिद्धांतों के आधार पर इस चुनाव में बीजेपी व कांग्रेस प्रणीत गठबंधनों के खिलाफ एपीआई के द्वारा इन्हें मैदान में उतारा गया है। इस मौके पर लोकसभा प्रभारी मिहिर चंद महतो, बोकारो जिलाध्यक्ष सद्दाम हुसैन, जिला सचिव अब्दुल रऊफ अंसारी और धनबाद जिलाध्यक्ष देवदास जडिया सहित अन्य पदाधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। गौरतलब है कि झारखंड में पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रही एपीआई के द्वारा प्रदेश में करीब 50% सीटों पर चुनाव लड़ने का टारगेट तय किया गया है, जिसके तहत यहां पर लगातार पार्टी संगठन के लोग काम कर रहे हैं। जल्द ही झारखंड में एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर का भी दौरा होगा, जिसे लेकर भी पार्टी संगठन में तैयारियाँ चल रही है। हमने चंदन क्यारी है, बोकारो से, झरिया से है, कैंडिडेट के सहित नाम बता रहा हूँ। बोकारो से हामिद हसन जी हैं, चंदन क्यारी सरेंद्र कुमार जी हैं, धनवार से लक्ष्मी देवी जी हैं और झरिया से जानकी देवी जी, ये 4 कैंडिडेट हैं जिसको हम आज अधिकृत तौर पर घोषित करता हूँ। मैं महासचिव भी हूँ झारखंड प्रदेश का और इस बार बोकारो विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर। और एक्चुअली चुनाव लड़ने का हमारा मुद्दा ये है कि हमारी संस्कृति धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, लुप्त हो रही है आदिवासियों की, मूल निवासों का। उस पर ही हमारे सर जो धीमन विजय मानकर सर हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, उन्होंने 2013 में जो संगठन बनाया था और हमारा हेडक्वार्टर नागपुर है, उन्हीं के मुहिम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसी मुहिम को लेके इस बार हम लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और बोकारो विधानसभा से मैं लड़ रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ से ये लग रहा है कि इस बार मैं जरूर जीतूँगा और जीतूँगा तो 100% बहुत सारे चेंजेस होंगे।